कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन ने अब फैसला ये लिया है कि शायद वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को पाकिस्तान को देगा। किसके जवाब में? तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा। भारत चीन के दुश्मनों को ब्रह्मोस बेचने की तैयारी कर रहा है। लाइन में वियतनाम भी खड़ा है। तो ऐसे में भारत इसका क्या इलाज निकालेगा या फिर इलाज निकाल चुका है? तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के ऑफर ने न सिर्फ चीन को हिला दिया है बल्कि भारत के भी कई सारे लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि ताइवान गड़े हुए राज को अब निकाल कर वापस लाकर खड़ा कर रहा है। जानेंगे ताइवान ने ऐसा क्या ऑफर किया है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, यहाँ बात करें हाइपरसोनिक मिसाइलों की, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक तो रूस के पास है, कथित तौर पर चीन के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी आ गया है, और अब ये कह रहा है चीन कि वो पाकिस्तान को दे सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल बात क्या है, जैसे ही S-400 आया, पाकिस्तान ने ये सोचा था कि S-400 की तैनाती चीन की तरफ होगी। हालांकि चीन के तरफ भी होगी, बाकी के S-400 जैसे जैसे आएंगे वो चीन की तरफ भी तैनात होंगे, लेकिन पहली तैनाती भारत ने कर दी पाकिस्तान के तरफ। पाकिस्तान के तरफ पहली तैनाती करते ही पाकिस्तान हो गया बिल्कुल बेबस और लाचार। यहाँ तक कि उसकी वायु सेना को अब टेंशन होने लगी कि अगर वे अपने क्षेत्र में भी कुछ करने के लिए उड़ान भरने की कोशिश करेंगे तो S-400 उनके क्षेत्र में उसे मारकर गिरा देगा। और चीन की चाल हो गई फेल। चीन चाह रहा था भारत के ऊपर दोनों तरफ से दबाव बना रहे, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान खुद अपनी जमीन पर टिक पाए वही बहुत बड़ी बात हो गई, और भारत का पूरा ध्यान लग गया चीन की तरफ। ऊपर से भारत ने चीन के विरोधियों को ब्रह्मोस देना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मोस देते ही चीन वैसे ही बिलबिला गया कि हमारे दुश्मनों को आप ब्रह्मोस दे रहे हो हमें घेरने के लिए, तो हम भी पाकिस्तान को देंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल देंगे तो फिर S-400 को काउंटर करना आसान हो जाएगा, और भारत तो अभी निश्चिंत होकर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वार नहीं होगा, वो फिर होने लगेगा, वो फिर दोनों तरफ की चिंता में पड़ जाएगा। अब ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कथित तौर पर पहुंचा दिया है चीन ने नॉर्थ कोरिया को जानबूझकर पहुंचाया गया है ताकि अमेरिका को काउंटर किया जा सके। अब इसके जवाब में अमेरिका ने चीन के अंदर रह रहे 4 नॉर्थ कोरियन को प्रतिबंधित भी किया है। अब इससे समझ में यही आ रहा है कि चीन की मिलीभगत है नॉर्थ कोरिया के मामले में। अब नॉर्थ कोरिया के रास्ते या तो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे दे, या फिर जो डोंगफेंग सीरीज की मिसाइल है जिसे चीन कहता है कि हमने इसका एडवांस वर्जन, हाइपरसोनिक वर्जन बना लिया है, उसका कोई छोटा वर्जन पाकिस्तान को दे। पर क्या ये सचमुच भारत को नुकसान पहुंचा पाएंगे? तो पहली बात तो ये है कि चीन के हथियारों पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब S-300 दिया रूस ने चीन को, चीन ने उसकी नकल की और नकल करके बना ली HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर लाचार हो गया है क्योंकि उसकी मिसाइलें चलती ही नहीं है। फिर भी कहते हैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसे में भारत क्या कर रहा है? तो आपको बता दें, भारत बहुत तेजी से BrahMos-2 वर्जन पर काम कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि BrahMos-2 के लिए भारत की निर्भरता रूस के ऊपर है, जिसे भारत को जल्द से जल्द हटाना होगा, क्योंकि ये सब कुछ तुरंत नहीं होने वाला है, कुछ वक्त लगेगा। और ये जो वक्त मिला है, इस वक्त में भारत को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करे। ताइवान ने वही दूसरी तरफ एक ऐसा ऑफर कर दिया है जिस ऑफर ने हड़कंप मचा दिया है। ये हड़कंप न सिर्फ चीन और चीन के अंदर मचा है बल्कि भारत के अंदर भी मचा हुआ है। दरअसल 1940 का दौर था जब ताइवान पर कब्जा था जापान का ये उपनिवेश माना जाता था, और तब भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद ले रहे थे अपने आजाद हिंद फौज के गठन और भारत की आजादी के लिए, और इसी क्रम में वो दो बार ताइवान गए। अगस्त 1945 में अचानक से कथित तौर पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद उन्हें जल्दी जल्दी ले जाया जाता है आर्मी हॉस्पिटल नैनमोन ब्रांच, जो कहां पे था, जो ताइपी पे था।
ताइपे पे था और आज वो हॉस्पिटल ताइपे का सिटी हॉस्पिटल है। अब कई लोग ये मानते हैं कि इसी हॉस्पिटल में नेताजी का देहांत हो गया और कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ से षड्यंत्र शुरू हुआ और नेताजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया। क्या थी सच्चाई, आखिर क्या हुआ था? और दो ऐसी फाइलें थी जिन फाइलों को जापानी ले गए थे और उन्होंने बहुत सुरक्षित रखा। जो कंट्रोवर्सी उठी कि नहीं सुभाष चंद्र बोस 1945 में नहीं मारे गए और क्या कुछ हुआ था, इसको लेकर भारतीय राजनीति आज तक सोच ही रही है। कभी पिछली सरकारों ने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की और आप देखेंगे ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस तरीके से बाकी फ्रीडम फाइटर को प्रतिष्ठा मिली उस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिली और पिछली सरकारों ने कभी भी इस मुद्दे को आगे लाने की कोशिश नहीं किया। पर अभी हाल ही में भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक्टिव हुई है और इसका नजारा देखने को मिला इंडिया गेट पर, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टेचू का अनावरण किया। साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी घोषणा कर दी कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। पर इन सब के बीच में ताइवान ने ये ऑफर दिया है कि भारत और ताइवान का रिश्ता आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है, नेताजी के समय का है। और ताइवान ने ऑफर दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है कि आखिर क्या हुआ था नेताजी के साथ उस वक्त और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो अभी भी दुनिया के सामने नहीं आई है, भारत के सामने नहीं आई है, हम चाहते हैं कि भारत के स्कॉलर्स और भारत के दोस्त ये इन्फॉर्मेशन इस लीगेसी को ले जाएं और अपने देश में जनता के सामने रखें। और ये कहने वाला कौन है तो आपको बता दें, ये कहने वाले हैं मुमिन चेन, जो ताइपे के इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ और उस क्रैश के बाद क्या क्या हुआ, क्या सच्चाई है, क्या नेताजी सचमुच इस प्लेन क्रैश में मारे गए थे या फिर यहाँ से एक नया षड्यंत्र शुरू हुआ था, क्या था मामला, ये सारा कुछ जानने के लिए इतिहास को फिर से देखने का मौका है जो हम लोग देख सकते हैं। और ताइवान इस मामले में भारत को पूरा सपोर्ट करेगा। अब यहाँ से अगर कोई अलग सच्चाई निकल कर सामने आती है जो ये दिखलाती है कि पुरानी सरकारों ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई है, तो फिर आप ये समझिए कि वर्तमान सरकार को इसका फायदा मिलेगा। जनता ये समझेगी कि वर्तमान सरकार सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में जिस सरकार के विरोध में प्रदर्शन करवाना चाहता है चीन और विरोधी देश और छोटे बड़े मामले में, वो फिर सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ताइवान का ऑफर मान लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।